अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। ये मैंने मटन लिया है 1 किलो। अच्छी तरह धो लें इसको, मैंने धो के रखा है। ये 2 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी, 2 सब्ज़ मिर्च, 2 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून नमक, 2 मोटी इलायची, छोटे छोटे 3 दालचीनी के टुकड़े, 4 मीडियम प्याज स्लाइस, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये आप सारी चीज़ों को डाल के या पतीले में रख दें या प्रेशर कुकर में। मैं प्रेशर कुकर में गलाऊंगी। जैसे ये गल जाए, ये मेरा गल चुका है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसको छान लेंगे। इस तरह आप छान लें, यखनी अलग कर लें और ऊपर से बोटियाँ। ये आप बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, आपने वीडियो को पूरा गौर से देखना, आपको बहुत से इसमें टिप एंड ट्रिक मिलेंगे कि अगर गोश्त ज़्यादा गल जाए तो आप किस तरीके से सही कर सकते हैं। इसके अंदर से वो आप मोटी इलायची और दालचीनी निकाल दें जो साबुत मसाला है। इसको साइड पे करें, आप मसाला बताती हूँ। इसमें गरम मसाला पिसा 2 टीस्पून, ज़ीरा पिसा 2 टीस्पून, मेथी 2 टीस्पून, जायफल और जवित्री 1/2 टीस्पून ये ऐड करेंगे। और दही जाएगा इसके अंदर 3/4 कप ले लें या 1 कप। ये आलू मैंने 3 अदद काट लिए हैं। अब ये ज़्यादा गला हुआ गोश्त है, इसकी बोटियाँ अलग कर लेंगे और जो नीचे मसाला बचेगा वो कढ़ाई में ऑयल डाल के 1/2 कप उसके अंदर डालेंगे। और अगर आपका ये सही भुनने वाला है, ज़्यादा गला हुआ नहीं है, तो आप इस तरह डायरेक्ट ऑयल में डाल के भुनेंगे। ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि कभी अगर इस तरह ज़्यादा गल जाए तो आप इस तरह ठीक कर सकते हैं। ये आलू उसी यखनी में डाल के मैं उबलने के लिए रख दूंगी जब तक कि आलू गल ना जाए। इस तरह आलू पे कलर भी आ जाएगा और फ्लेवर भी जाएगा उसके अंदर। ये मैंने मसाला बोटियाँ अलग कर ली थी और मसाला मैंने कढ़ाई में ऐड किया है। 1/2 कप मैंने ऑयल डाला है। और अगर आपका सही गला है नॉर्मल गोश्त, तो आप फिर कढ़ाई में ऑयल डाल के इसको भूनना शुरू कर दें। अब हम पहले मसाले को भूनेंगे। अच्छी तरह इसको भूनते जाएंगे और वही वाला यखनी जो है सॉस पैन वाली, वही पानी इसमें डालेंगे। वही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने भूनना है। मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च वगैरह ऐड नहीं की, नॉर्मल जो रेड चिल्ली है वही डाली है। ये थोड़ा सा वही सॉस पैन जिसमें आलू उबल रहे हैं वही डाल के भूनेंगे, क्योंकि अच्छी तरह मसाला हमने भून लेना है। अभी अब इसके अंदर दही डालेंगे। और अगर आप वैसे गोश्त भून रहे हैं तो फिर वो उसमें दही जाएगा, लेकिन मैं मसाला अलग से भून रही हूँ, गोश्त ज़्यादा गला हुआ है। आंच को स्लो करें और ये दही इसके अंदर डाल दें फेंट के ज़रा, और इसको भूनें। जैसे ये थोड़ा सा भुनेगा फिर इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। ये गरम मसाला जायफल और जवित्री, ये होममेड गरम मसाला है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये मैं जायफल और जवित्री अलग पीस के रखती हूँ, और गोश्त वगैरह में, आलू गोश्त में, कोरमे में डालने से बहुत ही प्यारा फ्लेवर आता है। मैं सारे मसाले में जायफल और जवित्री नहीं मिक्स करती, वो पीस के नहीं रखती। आप इसको भूनेंगे थोड़ी देर। अब इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। अब इसको भूनेंगे। ये गोश्त ज़रा ठंडा है, काफ़ी देर हुई है इसको उबले हुए। अब इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से हिला के भुने। अब ये टूटेगा नहीं क्योंकि मसाला पहले भुन चुका है। थोड़ी देर इसको भुनेंगे, फिर जैसे ही आलू गल जाएंगे तो वो इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह जल्दी भी बन जाता है और आलू का भी आपको पता चल जाता है और अलग से गाल जाते हैं, और फ्लेवर भी उसके अंदर चला जाता है और कलर भी अच्छा वो आ जाता है। अब ये भुन चुका है, इसके अंदर वो हम आलू वाला
वो शोरबा डाल देंगे। इस तरह आप, बहुत इजी भी है क्योंकि ये मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के गलाया है। पहले भी मैंने एक कोरमा बनाया हुआ है, वो पहले प्याज़ों को फ्राई करते हैं, वो भी मैं आगे भी आपको सिखा दूँगी। उसको पहले फ्राई करते हैं फिर उसके अंदर गोश्त ऐड करते हैं। अब आपने शोरबा जितना आपने इसकी थिकनेस रख रही है वो रख लें, इसका ढक्कन बंद ना करें। अगर आपने इसका खुश्क करना है, आँच को तेज़ करके इसका खुश्क कर लें शोरबा। ये बन चुका है, इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालें काट के, थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद करें, अब निकालें। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही मज़े का आलू गोश्त, गला हुआ ज़्यादा था लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छा बना है। और आप इस तरह बनाएं, ट्राई करें। कोई भी चीज़ अगर इस तरह हो जाती है तो उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से थोड़ा करके वो आप सही भी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।